हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू कुटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल पाइपलाइंस क्या होती हैं, रिजर्वेशन टेबल्स क्या होते हैं एंड कैसे रिजर्वेशन टेबल्स का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पीछे एंड व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट फ्री शेड्यूलिंग। एंड दीज ऑल टॉपिक्स आर रिलेटेड टू नॉन लीनियर पाइपलाइन डिज़ाइन। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी करें एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लें। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनरल पाइपलाइंस क्या होती हैं, रिजर्वेशन टेबल क्या होते हैं, लेटेंसी एनालिसिस की कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप अगर समझ जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी ईजी पड़ेगा। एंड कन्फ्लिक्ट फ्री शेड्यूलिंग क्या होती है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं एंड दीज स्टेप्स आर रियली नीडेड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रिजर्वेशन टेबल्स, कोलिजन वेक्टर, स्टेट डायग्राम, ग्रीडी साइकिल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जनरल पाइपलाइंस। जनरल पाइपलाइंस को पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे दैट देर आर टू कैटेगरीज ऑफ पाइपलाइंस, वन इज लीनियर पाइपलाइन एंड वन इज नॉन लीनियर पाइपलाइन। सो लीनियर पाइपलाइंस कुछ इस तरीके की होती है, इसे एक स्पेसिफिक वीडियो में हमने डिटेल में देखा हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। सो लीनियर पाइपलाइन एक्चुअली क्या होता है, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस होता है, ठीक है, जिसमें स्ट्रीम लाइन कनेक्शंस होते हैं और वी कैन से कि यहाँ पे स्टेजेस लीनियरली कनेक्टेड होते हैं। सो जहाँ भी स्ट्रीम लाइन कनेक्शन होगा और जिसे हम कहते हैं कैस्केड कनेक्शंस होगा बिटवीन द स्टेजेस, दैट इज लीनियर पाइपलाइन। एंड इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस असिंक्रोनस, बट बेसिक कंसेप्ट दोनों में सेम होता है कि स्टेजेस कैसे कनेक्टेड होते हैं, एक स्ट्रीम लाइन पैटर्न में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक लीनियर पैटर्न में कनेक्टेड होते हैं। दूसरी है एक नॉन लीनियर पाइपलाइन। नॉन लीनियर पाइपलाइन में स्ट्रीम लाइन कनेक्शन तो होता ही है, ठीक है, यहाँ कैस्केड ऑफ स्टेजेस तो होता है, हर एक स्टेज नेक्स्ट स्टेज वाले से कनेक्ट होगा, ठीक है, बट यहाँ पे फीडबैक कनेक्शंस होते हैं एंड फीड फॉरवर्ड कनेक्शंस भी होते हैं। तो बिकॉज यहाँ फीड फॉरवर्ड कनेक्शन आ गया, बिकॉज एक S1 स्टेज से हम डायरेक्टली S3 में जंप मार रहे हैं, ठीक है, और एक फीड बैकवर्ड कनेक्शन हमें दिख रहा है, स्टेज S3 से हम फीडबैक आ रहे हैं S2 में, तो दिस इज़ नॉट फीडबैक कनेक्शन। और ये हम देख रहे हैं S1 से S2 ये स्ट्रीम लाइन कनेक्शन है, S2 से S3 हम देख रहे हैं स्ट्रीम लाइन कनेक्शन है। तो एडिशनली स्ट्रीम लाइन कनेक्शन के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, फीडबैक कनेक्शन एंड फीड फॉरवर्ड कनेक्शन, दैट्स वाई ये एक नॉन लीनियर पाइपलाइन होती है। एंड यहाँ पे मोर देन वन फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकती है। ओके, सो इसे हम कह सकते हैं ये डायनेमिक पाइपलाइन है एंड हम लीनियर पाइपलाइन को जनरली स्टैटिक पाइपलाइंस बोलते हैं। नॉन लीनियर पाइपलाइंस मोस्टली मल्टी फंक्शनल होती हैं, ये मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, लाइक यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एक्स फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक वाई फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन ये परफॉर्म करता है, लीनियर पाइपलाइन। ओके, सो अब ये तो हो गया बेसिक एक कंसेप्ट। तो जनरल पाइपलाइंस किसे बोलते हैं हम, जनरल पाइपलाइंस जनरली हम नॉन लीनियर पाइपलाइन को ही रेफर करते हैं, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो कंसेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं दिस इज़ अबाउट नॉन लीनियर पाइपलाइन डिज़ाइन। तो जहाँ भी कंसेप्ट अगर पूछता व्हाट इज़ जनरल पाइपलाइंस, तो जनरल पाइपलाइंस हम नॉन लीनियर पाइपलाइन को ही कहते हैं। सो व्हाट वी कैन इन जनरल पाइपलाइन, द पाइपलाइन मे हैव फीडबैक कनेक्शंस एंड फीड फॉरवर्ड कनेक्शंस अलोंग विद स्ट्रीमलाइन कैस्केड कनेक्शंस। ओके, सो व्हाट वी कैन से, सो इट इज़ अ नॉन लीनियर। सो जनरल पाइपलाइन में सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रीम लाइन कनेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा फीडबैक कनेक्शंस भी होते हैं, फीड फॉरवर्ड कनेक्शन भी होते हैं, जिसकी वजह से जनरल पाइपलाइंस होती हैं नॉन लीनियर। ओके, तो जनरल पाइपलाइंस में हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल पाथ्स होते हैं, ठीक है, एक पाथ नहीं, अलग अलग डिफरेंट पाथ्स होते हैं, एक पाथ से भी आप जा सकते हैं फीड फॉरवर्ड कनेक्शंस के थ्रू, फीडबैक कनेक्शन के थ्रू या स्ट्रीम लाइन कनेक्शंस के थ्रू। पैरेलल यूजेज होता है यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस का एंड नॉन लीनियर फ्लो ऑफ डेटा होता है, बिकॉज यहाँ एक स्ट्रीम लाइन कनेक्शन नहीं, फीडबैक फीड फॉरवर्ड भी है, तो जो फ्लो होता है डेटा का वो लीनियर पैटर्न में नहीं होता है। ओके, सो एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल, अ जनरल पाइपलाइन विथ 3 स्टेजेस हम देख रहे हैं, यहाँ स्टेज 1 है एंड स्टेज 2 है एंड स्टेज 3 है, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कुछ फीडबैक कनेक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं एक फीडबैक कनेक्शन है, ये भी फीडबैक है, ये भी फीडबैक है एंड ये वाला कनेक्शन हम देख रहे हैं ये फीड फॉरवर्ड कनेक्शन है। ओके, सो ये पाइपलाइन दो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, वी कैन सी एक आउटपुट एक्स आ रहा है, एक आउटपुट वाई आ रहा है, सो इट इज़ अ
two function pipeline with function x and function y. It has three stages, S1, S2 and S3. थर्ड ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रॉस्ड सर्कल्स देख रहे हैं, दीज आर क्रॉस्ड सर्कल्स. ओके, तो ये जनरली क्या है, दीज आर मल्टीप्लेक्सेस. ये क्यों यूज़ होते हैं कि हमें कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है, तो दे आर यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग मल्टीपल कनेक्शन पाथ्स इन इवेल्युएटिंग डिफरेंट फंक्शंस. सो अगर हमें इवेल्युएट करना है एक्स को या वाई को, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए हमें कौन से पाथ को चूज़ करना है, ये हमें कौन बताता है, मल्टीप्लेक्सर. और फोर्थ चीज़ हमें यहाँ दिख रही है, लैचेस. वी कैन सी L1 टू L4 एलिमेंट्स, दीज आर लैचेस, L1, L2, L3 एंड L4. ये लैचेस क्या करते हैं, ये जस्ट हेल्प करते हैं सो दैट जो भी डेटा आ रहा है वो स्टोर करे और उसे फॉरवर्ड कर दे. ठीक है, जो भी इनपुट वो रिसीव करता है वो सिर्फ एज इट इज़ वो नेक्स्ट वाले स्टेज को फॉरवर्ड कर देता है. ठीक है, समटाइम्स हम डिलेज लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं बिकॉज सिंक्रनाइजेशन बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स एक स्टेज अगर बहुत फास्टली परफॉर्म कर रहा है और दूसरा वाला स्टेज अगर स्लो है, तो दोनों में सिंक्रनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो इन दोनों को सिंक्रनाइज करने के लिए हम बीच में क्या लगा देते हैं, लैचेस लगा देते हैं, जो कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के काम आता है. ये हमें डेटा लॉस को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू अवॉइड एनी इंटरमीडिएट डेटा लॉस. ठीक है, अगर एक स्टेज काफ़ी स्लो है, दूसरा वाला काफ़ी फास्ट है, उस स्पीड में वो रिसीव नहीं कर पा रहा डेटा, तो यहाँ पे डेटा लॉसेस के चांसेस होते हैं, तो इसको हम लैचेस लगा के अवॉइड कर सकते हैं. ओके, सो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्वेशन टेबल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसे देख के ही हमें न्यूमेरिकल्स में से बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट करनी रहती हैं. नाउ व्हाट इज़ दिस रिजर्वेशन टेबल? रिजर्वेशन टेबल एक स्पेस टाइम डायग्राम के जैसा ही होता है, जैसा कि हमने पाइपलाइन में देखा था. पाइपलाइन को हम कैसे शो करते हैं कि कौन सा स्टेज कब यूटिलाइज हो रहा है, हम स्पेस टाइम डायग्राम के थ्रू शो करते हैं. ठीक है, जिसमें लेफ्ट साइड में स्टेजेस होते हैं एंड राइट आप देख रहे हैं वाई एक्सिस में क्लॉक साइकिल्स या टाइम होता है. तो रिजर्वेशन टेबल्स भी वही शो कर रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये रोज है, ये रोज क्या बता रहे हैं, ये स्टेजेस को बता रहे हैं, लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. और जो कॉलम्स है ये बता रहा है क्लॉक टाइम यूनिट्स को कि कौन से टाइम में कौन सा स्टेज यूटिलाइज हो रहा है. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या बताता है, द यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ सक्सेसिव स्टेजेस इन अ पाइपलाइन स्पेसिफाइड बाय रिजर्वेशन टेबल. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, पाइपलाइन का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, किस टाइम पर कौन सा स्टेज यूटिलाइज हो रहा है, इस पैटर्न को हम रिजर्वेशन टेबल को देख के समझ सकते हैं. नाउ इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्लॉक साइकिल्स हैं, हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितनी है, 1 to 8. तो 8 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स है, तो ये इसका इवेल्युएशन टाइम हो गया फंक्शन एक्स वाले रिजर्वेशन टेबल का. एंड दूसरा रिजर्वेशन टेबल हम देख रहे हैं फंक्शन वाई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कंप्लीट फंक्शन का इवेल्युएशन करने में कितना टाइम लग रहा है, क्लॉक साइकिल 6. तो दिस इज़ द इवेल्युएशन टाइम. द टोटल नंबर ऑफ क्लॉक यूनिट्स इन द टेबल इज कॉल्ड इवेल्युएशन टाइम फॉर द given function. Now reservation table, it means ये क्या represent करता है, ये represent करता है flow of data through pipeline for one complete evaluation of a given function. So एक function है x, इसको completely evaluate करने में, एक complete evaluation करने में कितना time लग रहा है और flow of data कैसा है, पहले इस stage में आया first clock cycle में, then second clock cycle में, stage 2 में, third में, stage 3 में, then fourth में, stage 2 में, इस तरीके से एक फ्लो बता रहा है कि कौन से स्टेज में डेटा फ्लो हो रहा है किस टाइम पे. और अगर हम ये देखें, वी कैन सी कि हमें एक फंक्शन एक्स के लिए एक रिजर्वेशन टेबल दिख रहा है, फंक्शन वाई के लिए दूसरा रिजर्वेशन टेबल दिख रहा है. तो मल्टीपल रिजर्वेशन टेबल्स बनते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, अगर एग्जैक्ट फंक्शन भी आ गया तो उसके लिए हम अलग रिजर्वेशन टेबल बनाएंगे. सो मल्टीपल रिजर्वेशंस विल बी मेड, ओके, फॉर डिफरेंट फंक्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अब क्या होता है, जो स्टैटिक पाइपलाइन होती है, स्टैटिक पाइपलाइन जिसे हम लीनियर पाइपलाइन भी कहते हैं, लीनियर पाइपलाइन और स्टैटिक पाइपलाइन में हमेशा सिंगल एक ही रिजर्वेशन टेबल बनता है. बट जहाँ भी हम बात करते हैं डायनेमिक पाइपलाइन की, मींस नॉन लीनियर पाइपलाइन की, ठीक है, दिस इज़ नॉन लीनियर पाइपलाइन, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा रिजर्वेशन टेबल हमें बनाने पड़ते हैं. बिकॉज जो नॉन लीनियर पाइपलाइन होता है,
वो एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ओके, सो डायनामिक पाइपलाइन और नॉन लीनियर पाइपलाइन, ये एक से ज़्यादा रिजर्वेशन टेबल बनाते हैं, वन प्लस रिजर्वेशन टेबल बनते हैं. सो दिस इज अबाउट रिजर्वेशन टेबल. लाइक ये एक हम देख रहे हैं थ्री स्टेज पाइपलाइन है, बिकॉज ये दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है एक्स एंड वाई, तो इन दोनों का रिजर्वेशन टेबल ये है. ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि टाइम वन पे पहले स्टेज वन पे आया, देन टाइम टू पे स्टेज टू पे आया, देन टाइम थ्री पे स्टेज थ्री पे आया, देन टाइम फोर पे हम देख रहे हैं वापस स्टेज टू पे आया, तो वापस ये फीडबैक के थ्रू स्टेज टू में आया. देन टाइम फाइव पे एस टू से हम एस थ्री में आए, देन टाइम सिक्स पे हम देख रहे हैं एस वन में आए, मीन्स वापस फीडबैक के थ्रू एस वन में आए. देन सेवन में फीड फॉरवर्ड के थ्रू अगेन एस थ्री में आए, एंड टाइम एट पे हम वापस स्टेज वन में फीडबैक के थ्रू आए. तो इस तरीके से हम रिजर्वेशन टेबल को देख के नॉन लीनियर पाइपलाइन में कौन सा स्टेज कब यूटिलाइज हो रहा है ये पता लगा लेते हैं. सेम आउटपुट वाई के लिए भी होगा, इसका रिजर्वेशन टेबल देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेज कब यूटिलाइज हो रहा है. सो वी कैन सी कि जो इवेल्युएशन टाइम होता है वो अलग अलग फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो इवेल्युएशन टाइम ऑफ डिफरेंट फंक्शंस मे बी डिफरेंट. लाइक फंक्शन एक्स का इवेल्युएशन टाइम कितना है, 8 क्लॉक साइकिल. ठीक है, कंप्लीट जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो शो करेगा. और फंक्शन वाई के लिए हमारा इवेल्युएशन टाइम कितना है, 6 क्लॉक साइकिल. ओके, एंड अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे चेक मार्क्स जो लगे हैं, चेक मार्क्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा स्टेज कब यूटिलाइज हो रहा है. ओके, रिजर्वेशन टेबल में जो चेक मार्क्स है वो इंडिकेट करते हैं दैट करिस्पॉन्डिंग स्टेज इज यूज एट दैट टाइम. अब अगर मल्टीपल चेक मार्क्स है, मीन्स हम देख रहे हैं यहाँ स्टेज वन में इस रो में यहाँ पे एक चेक मार्क है, यहाँ भी एक चेक मार्क है, यहाँ भी, इट मीन्स इस स्टेज का रिपीटेड यूजेज हो रहा है अलग अलग टाइम पे. मल्टीपल चेक मार्क्स अगर हम कॉलम में देखें, पहला भी देखा हमने रो में क्या होता है, रो में होने से वी कैन सी कि रिपीटेड यूजेज ऑफ द सेम स्टेज. अब अगर कॉलम में हम देखें, सपोज यहाँ पे कॉलम में भी हम देखेंगे अगर कि दो चेक मार्क्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, कॉलम में अगर होते तो ये साइमल्टेनियस यूजेज बताता है कि एक टाइम पे दो स्टेज का हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स एक टाइम पे मल्टीपल स्टेज यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं. अगर कंटीजियस चेक मार्क्स हैं, मीन्स सपोज ये फर्स्ट क्लॉक साइकिल में भी स्टेज वन यूज़ हो रहा है, सेकेंड क्लॉक साइकिल में भी यूज़ हो रहा है, थर्ड क्लॉक साइकिल में, तो ये क्या कंटीजियस स्टेजेस, ये बताता है कि एक्सटेंडेड यूजेज हो रहा है, एक ही स्टेज को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं. हो सकता है उसमें जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो काफ़ी स्लोली परफॉर्म हो रहा है, मीन्स ये वाला स्टेज काफ़ी स्लो है, इसलिए हम उसे एक्सटेंडेड यूजेज दे रहे हैं. फर्स्ट क्लॉक साइकिल में भी हमें वही यूज़ करना पड़ा, सेकेंड क्लॉक साइकिल में भी वहीं पर है, थर्ड में भी वहीं पर है. ओके, सो स्लोअर स्टेजेस जो होते हैं उन्हें जनरली ज़्यादा टाइम स्लॉट लगता है. सो दिस इज़ अबाउट रिजर्वेशन टेबल फॉर नॉन लीनियर डायनेमिक पाइपलाइन. नाउ लेटेंसी एनालिसिस टर्मिनोलॉजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेटेंसी एनालिसिस के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हम देखेंगे, ये टर्मिनोलॉजीज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं लेटेंसी से कि लेटेंसी क्या होती है. ये एक रिजर्वेशन टेबल है फॉर फंक्शन एस एक्स, हम इसे ही रिफ़र करेंगे आगे के जो भी अभी एग्जाम्पल समझेंगे इसको रिफ़र करके समझेंगे. नाउ लेटेंसी समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनिशिएशन क्या है. ठीक है, एंड इनिशिएशन रिफर्स टू द स्टार्ट ऑफ अ सिंगल फंक्शन इवेल्युएशन. लाइक ये एक दिख रहा है आपको, एक कंप्लीट एक सिंगल फंक्शन इवेल्युएशन शो हो रहा है. ठीक है, ये एक सिंगल फंक्शन इवेल्युएशन हो गया तो इसके बाद अगर कोई स्टार्ट होगा तो वो नेक्स्ट फंक्शन चालू हो जाएगा. ठीक है, अब वो फंक्शन कब चालू होगा, हो सकता है यहाँ पे चालू हो जाए या फिर यहाँ से चालू हो जाए, कभी भी चालू हो सकता है. तो जब भी चालू होगा, ओके, तो जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स होती है दोनों के बीच में, पहले वाले इनिशिएशन और नेक्स्ट वाले इनिशिएशन, उन दोनों के बीच जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स होती है उसे हम कहते हैं लेटेंसी. ओके, सो द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स बिटवीन टू इनिशिएशंस ऑफ अ पाइपलाइन इज द लेटेंसी बिटवीन देम. ओके, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर कर लेंगे. अब ये जो लेटेंसी वैल्यू होती है ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए. ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें. नेक्स्ट हम आता है कोलिजन. कोलिजन क्या होता है, व्हाट इज दिस, एन अटेम्प्ट बाय टू और मोर इनिशिएशंस टू यूज द सेम पाइपलाइन स्टेज एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कोलिजन. अगर एक ने अपना फर्स्ट इवेल्युएशन यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरे ने अपना
सेकेंड वाला एक्स टू सपोज यहाँ से चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कि सेम टाइम पे दो इनिशिएशंस यूज़ हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोलिजन, ठीक है। कोलिजन मतलब क्या होता है, सिंपली ये एक रिसोर्स कन्फ्लिक्ट को इंडिकेट करता है। कोलिजन इम्प्लाइज रिसोर्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इनिशिएशंस। अगर दो इनिशिएशन सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे हैं देन दैट इज़ अ कोलिजन, एंड कोलिजन को हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, इट मस्ट बी अवॉइडेड। अब क्या होता है, अभी हमने देखा लेटेंसी क्या होती है, तो कुछ लेटेंसीज क्या होती है ना, कॉज करती है कोलिजन को, कुछ नहीं करती हैं। तो सम लेटेंसीज कॉज कोलिजन एंड सम नॉट। कुछ लेटेंसीज की वजह से कोलिजन होता है, कुछ की वजह से नहीं होता है। नाउ कोलिजन का एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाइए। सपोज यही सेम रिजर्वेशन टेबल हम लेंगे फंक्शन एक्स वाला। सपोज हम दो लेटेंसीज का एग्जांपल ले रहे हैं, लेटेंसी टू एंड लेटेंसी फाइव। लाइक पहला इनिशिएशन जो हो रहा है सेम यही फंक्शन एक्स वन, ये एक इवेल्युएशन है इसका x1 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 and x1 and x। तो ये से एक सिंगल इवेल्युएशन हो गया x1 वाला, और नेक्स्ट इनिशिएशन कौन सा है x2, तो दिस इज़ द सेकेंड इनिशिएशन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा इनिशिएशन क्या है। तो ये पहला इनिशिएशन हो गया, ये सेकेंड इनिशिएशन। सेकेंड इनिशिएशन में हम देख रहे हैं सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है, x2 x2 x2, यहाँ भी x2 है एंड यहाँ भी x2 है। उसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड इनिशिएशन है x3, तो ये भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। तो जब दो इनिशिएशन के बीच में जो टाइम है उसे हम कहते हैं लेटेंसी। तो ये जो लेटेंसी है ये कितने की है, ये 1 एंड ये 2, मीन्स 3 - 1, इनकी लेटेंसी कितनी है 2। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। वैसे ही x3 x4 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो ये हम देख रहे हैं लेटेंसी टू में हम देख रहे हैं ये वाली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम x1 और x2 देख रहे हैं दोनों ही उस स्टेज को यूज़ कर रहे हैं s2 को। तो ये रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हुआ, मीन्स कोलिजन हुआ। तो यहाँ भी कोलिजन है, यहाँ भी कोलिजन है, यहाँ तीन फंक्शंस एक स्टेज में आ रहे हैं, ये भी कोलिजन है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दिस इज़ वॉट कोलिजन। तो लेटेंसी टू अगर हम फॉलो करते हैं, शेड्यूल करते लेटेंसी टू के हिसाब से, तो हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल कोलिजन्स होंगे। ओके, वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे ये है लेटेंसी फाइव, मीन्स पहला इनिशिएशन यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये सारा वही सिंगल फंक्शन होगा। सेकेंड इनिशिएशन हम देख रहे हैं 6 पे हुआ, इट मीन्स इसकी लेटेंसी कितनी है। इन दोनों में डिफरेंस हम निकालिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है। और डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 6 - 1 मतलब 5। तो ये 5 की लेटेंसी अगर हम रखते हैं तो इसकी वजह से भी कोलिजन हो सकता है। लाइक हम देख रहे हैं यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो लेटेंसी 2 एंड 5 कॉजेस कोलिजन्स, तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ कोलिजन। नेक्स्ट अब आते हैं, अभी हमने देखा कि कुछ लेटेंसीज की वजह से कोलिजन होता है, कुछ की वजह से नहीं होता। तो ऐसी लेटेंसीज जिनकी वजह से कोलिजन होता है उसे हम कहते हैं फॉरबिडन लेटेंसीज। ओके, लेटेंसीज दैट कॉज कोलिजन्स आर कॉल्ड फॉरबिडन लेटेंसी। अब इसे हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, सपोज ये हमारा रिजर्वेशन टेबल है, तो वो कौन सी लेटेंसीज है जिसकी वजह से कोलिजन होगा। तो हम अलग अलग स्टेज के लिए पहले इशू लेटेंसीज निकाल लेंगे, मीन स्टेज 1 के लिए कौन सी लेटेंसी है जो कोलिजन करेगी। तो उसके लिए हमें हर यहाँ देख रहे हैं ये जो चेक मार्क्स, उनके बीच में हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो S1 में एक कौन सी लेटेंसी होगी, 5, जिसकी वजह से कोलिजन हो सकता है। तो हम इन दोनों के बीच निकालेंगे, देन इन दोनों के बीच निकालेंगे कितना है, 2 का डिफरेंस देख रहे हैं, एंड देन फर्स्ट और लास्ट में निकालेंगे। तो हम सारे चेक मार्क्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो वैसे ही S2 में भी हम देख रहे हैं 2 चेक मार्क्स, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, एंड यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में 4 का डिफरेंस है। तो 2 2 एंड 4, सो इस वजह से हमने देखा, अगर सबको एक एक बार लिखें तो 2 4 5 एंड 7, ये ऐसी लेटेंसीज है जिसकी वजह से कोलिजन कॉज हुआ है। तो अब इसे अभी जस्ट हमने देखा कि अगर हम ये
रिजर्वेशन टेबल कंसीडर करते हैं, तो हमने S1 के लिए पहले इशू लेटेंसी निकाली कि यहाँ पे 6-1, ये 6-1, देन 8-1 एंड देन 8-6, तो इस वजह से हमने देखा 5, 7 एंड 2, ये हमारी S1 की आ गई लेटेंसी जिसकी वजह से कोलिजन होगा। स्टेज 2 में यहाँ 4-2 2 की वजह से, और S3 में 2, 4 एंड 2। तो हमने सभी को एक एक बार सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिख लिया, तो दिस इज 2, 4, 5, 7। तो ये चार लेटेंसीज हैं जिसे हम कहेंगे फॉरबिडन लेटेंसीज। वाई? बिकॉज दीज लेटेंसीज कॉज कोलिजन्स। सो डिटेक्ट कैसे करना है? टू डिटेक्ट अ फॉरबिडन लेटेंसी वन नीड्स सिंपली टू चेक डिस्टेंस बिटवीन एनी टू चेक मार्क्स इन द सेम रो ऑफ द रिजर्वेशन टेबल। ओके, नाउ इसके बाद आता है परमिसिबल लेटेंसी। फॉरबिडन लेटेंसी वो लेटेंसी है जिसकी वजह से कोलिजन होता है, परमिसिबल लेटेंसी ऐसी लेटेंसीज है जिसकी वजह से कोलिजन नहीं होता है। तो लेटेंसीज दैट डज नॉट कॉज कोलिजन्स आर कॉल्ड परमिसिबल लेटेंसीज। तो अब अगर हमें परमिसिबल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो भी हम क्लॉक साइकिल्स देख रहे हैं उनमें से फॉरबिडन लेटेंसी तो ये रही, तो जो बच गई हैं क्लॉक साइकिल्स वो रहेंगी परमिसिबल। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 एंड 3 एंड 6 एंड 8। ठीक है, तो 2, 4, 5, 7 को छोड़ के जो बच गई हैं वो क्या, 1, 3, 6 एंड 8, तो ये हैं परमिसिबल लेटेंसीज जिसकी वजह से कोलिजन नहीं होगा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट इनिशिएशन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आता है लेटेंसी सीक्वेंस। लेटेंसी सीक्वेंस हम जनरली परमिसिबल लेटेंसी को ही रिफ़र करते हैं। ठीक है, तो अ लेटेंसी सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ परमिसिबल लेटेंसीज। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ परमिसिबल लेटेंसीज को ही हम कहते हैं बिटवीन टास्क इनिशिएशंस इज कॉल्ड लेटेंसी सीक्वेंस। सो जो परमिसिबल लेटेंसीज हैं वही हमारा लेटेंसी सीक्वेंस है। तो दोनों को हम इंटरचेंजेबली भी कई बार बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों आपको क्लियर कर दिया। बुक में आपको लेटेंसी सीक्वेंस मिलेगा, परमिसिबल लेटेंसी नहीं मिलती, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि व्हाट इज परमिसिबल लेटेंसी। सो लेटेंसी सीक्वेंस को ही परमिसिबल लेटेंसीज कहते हैं। नेक्स्ट इज लेटेंसी साइकिल। ऐसा लेटेंसी सीक्वेंस, ठीक है, लेटेंसी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसे रेफर कर रहे हैं, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ परमिसिबल लेटेंसीज होती हैं वही लेटेंसी सीक्वेंस है। तो ऐसा लेटेंसी सीक्वेंस जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है, दैट रिपीट्स सेम सब सीक्वेंस मीन्स सेम साइकिल इनडेफिनेटली, उसे हम कहते हैं लेटेंसी साइकिल। तो फॉर एग्जाम्पल मीन्स जो भी लेटेंसी साइकिल होगा वो इन चारों के बीच में से ही होगा। ठीक है, साइकिल जो भी बनेगा परमिसिबल लेटेंसीज जो कि लेटेंसी सीक्वेंस हैं उनमें से ही होगा। तो अगर ये एक रिजर्वेशन टेबल है जहाँ पे हम देख रहे हैं पहला इनिशिएशन कब हो रहा है 1 में, सेकंड इनिशिएशन कब हो रहा है X2 7 में, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है 7-1 6 का। थर्ड इनिशिएशन कब हो रहा है 13 में, 13-7 कितना है 6 का। तो यहाँ सब में हम देख रहे हैं कितने कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या साइकिल है, हर 6 क्लॉक साइकिल के बाद फिर से सेम साइकिल रिपीट हो रही है। तो यहाँ 6 देन अगेन 6, तो दिस इज अ साइकिल, द साइकिल रिपीट्स, दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं लेटेंसी साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेंसी साइकिल कितना है 6 है, मीन्स 6 6 6 रिपीट होते जा रही है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, इस टेबल में हम देख रहे हैं इसका लेटेंसी साइकिल क्या है, लाइक पहला वाला 1 में देन 2 में, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 1 का। देन थर्ड वाला हम देख रहे हैं 10 में है, देन फोर्थ वाला 4 में, मतलब यहाँ हम कितना डिफरेंस देख रहे हैं 10 और 2 के बीच में 8 का। ठीक है, देन अगेन हम देखेंगे वापस यहाँ पे 1 का डिफरेंस हो गया, देन यहाँ पे अगेन 8 का, सो ये 8 एंड ये 1। सो इस तरीके से हमने देखा इसकी लेटेंसी साइकिल क्या है, जो रिपीट हो रही है 1 एंड 8 की लेटेंसी साइकिल है। ठीक है, तो 1818, तो दिस इज़ व्हाट लेटेंसी साइकिल होता क्या है, अ लेटेंसी सीक्वेंस दैट रिपीट्स द सेम सबसीक्वेंस इनडेफिनेटली या सेम साइकिल इनडेफिनेटली। अब आते हैं एवरेज लेटेंसी क्या होती है। जो भी साइकिल हमने निकाला लेटेंसी साइकिल, ठीक है, लेटेंसी साइकिल का हमें एवरेज लेटेंसी निकालना रहता है। तो द एवरेज लेटेंसी ऑफ लेटेंसी साइकिल इज द सम ऑफ ऑल लेटेंसीज
डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ लेटेंसीज अलॉन्ग द साइकिल. सो अगर हमें लेटेंसी साइकिल 1 और 8 इसका एवरेज लेटेंसी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, दोनों लेटेंसीज को ऐड कर दीजिए एंड टोटल नंबर ऑफ लेटेंसीज कितनी है, 1 और 2 हैं तो आ गया 4.5. तो दिस इज सिंपली जैसे हम एवरेज निकालते हैं, तो हम एवरेज लेटेंसी निकालते किसकी है, लेटेंसी साइकिल का ही हम एवरेज लेटेंसी निकालते हैं. अगर हमारा लेटेंसी साइकिल सपोज 6 है जो अभी हमने देखा, तो 6 अगर लेटेंसी साइकिल है तो इसका एवरेज तो 6 ही आएगा, ठीक है, इसमें हमें प्लस और डिवाइड करने की नीड नहीं है. अब एक और टर्म आता है कॉन्स्टेंट साइकिल. तो अभी हमने देखा कि जो 6 था ये कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा था, 6 6 6, तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट साइकिल. ओके, अ कॉन्स्टेंट साइकिल इज अ लेटेंसी साइकिल दैट कंटेन्स ओनली 1 लेटेंसी वैल्यू. तो लेटेंसी साइकिल 6 हमारा कॉन्स्टेंट साइकिल है बिकॉज इसमें एक ही सिंगल लेटेंसी वैल्यू है. ओके, सो यहाँ से यहाँ 6 है, देन यहाँ से यहाँ फिर 6 है, देन यहाँ से यहाँ फिर 6 है. ओके, तो ये जो डिफरेंस है, ये 6 6 का जो डिफरेंस है, दिस इज व्हाट कॉन्स्टेंट लेटेंसी साइकिल. नेक्स्ट अब आते हैं कोलिजन फ्री शेड्यूलिंग क्या होता है. नो, ये टॉपिक थ्योरेटिकली उतना नहीं पूछता है एग्जाम में, कोलिजन फ्री शेड्यूलिंग, बट न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो हमें ये पता होना चाहिए बिकॉज ये स्टेप्स हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के. सो कोलिजन्स को अवॉइड करना और थ्रूपुट को बढ़ाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. एग्जैक्टली, टू अवॉइड कोलिजन्स एंड टू अचीव हाई थ्रूपुट ऑल द टास्क अवेटिंग फॉर इनिशिएशन शुड बी प्रॉपरली शेड्यूल. तो जो भी हम शेड्यूलिंग करेंगे टास्क का, उसमें कोलिजन्स नहीं होना चाहिए और थ्रूपुट ज़्यादा निकलना चाहिए, ठीक है. तो जब भी हम नॉन लीनियर पाइपलाइन में शेड्यूलिंग करते हैं इवेंट्स की, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ऑब्टेन द शॉर्टेस्ट एवरेज लेटेंसी बिटवीन इनिशिएशंस विदाउट कॉजिंग कोलिजन्स. तो हमें एवरेज लेटेंसी को कम से कम लाना है दो इनिशिएशन के बीच में, एवरेज लेटेंसी कम होनी चाहिए और कोलिजन्स भी नहीं होने चाहिए उसमें. तो इसे अचीव करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू हम देखेंगे. तो सबसे पहले हमें कोलिजन वेक्टर निकालना होता है, जिसे हम फॉरबिडन लेटेंसी और परमिसिबल लेटेंसी से निकालते हैं. कोलिजन वेक्टर से हम स्टेट डायग्राम बनाते हैं, स्टेट डायग्राम से हम ग्रीडी साइकिल्स निकालते हैं, एंड ग्रीडी साइकिल्स का हम फिर मिनिमम एवरेज लेटेंसी निकालते हैं, ठीक है. तो वन बाई वन देखते हैं कोलिजन वेक्टर क्या होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि कोलिजन वेक्टर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. कोलिजन वेक्टर जनरली m बिट का बाइनरी वेक्टर होता है, ठीक है. अब ये m बिट क्या है, m बिट का बाइनरी वेक्टर मींस फॉरबिडन लेटेंसी में जो मैक्सिमम वाला होता है उसे हम कहेंगे m, ठीक है. अब ये मैक्सिमम वाला मतलब जनरली हम ये बोल सकते हैं जो भी n कॉलम्स होते हैं अगर आपके एक रिजर्वेशन टेबल में, ठीक है. लाइक अगर 8 कॉलम्स है रिजर्वेशन टेबल में, तो 8 माइनस 1 को हम कहेंगे m, और ये जनरली वही होता है फॉरबिडन लेटेंसी में सबसे मैक्सिमम वाले को हम कहते हैं m. सो कोलिजन वेक्टर इज अ m बिट बाइनरी वेक्टर, इसे हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, जिसमें बिट्स कोलिजन वेक्टर का बिट 1 बिट 2 सो ऑन m तक ये जाएगा. और इसे हम ऑप्टेन कर सकते हैं कैसे, दैट कैन बी ऑप्टेन्ड फ्रॉम द कम्बाइंड सेट ऑफ परमिसिबल एंड फॉरबिडन लेटेंसीज. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कोलिजन वेक्टर, कोलिजन वेक्टर इज एन m बिट बाइनरी वेक्टर, दिस दैट कैन बी ऑप्टेन्ड फ्रॉम द कम्बाइंड सेट ऑफ परमिसिबल एंड फॉरबिडन लेटेंसीज. ओके, और ये ci की वैल्यू क्या रहती है, ci की वैल्यू 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है, बिकॉज ये बाइनरी वेक्टर आइदर 1 होगा या 0 होगा. अब 1 कब होता है, 1 जनरली अगर वो लेटेंसी कॉज कर रही है कोलिजन को, ठीक है, अगर कोलिजन हो रहा है उस लेटेंसी में तो उसे हम कहेंगे फॉरबिडन लेटेंसी. तो सिंपली अगर बोले 1 किसके लिए रहता है, फॉर फॉरबिडन लेटेंसी इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड फॉर परमिसिबल लेटेंसी इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है. ये एक एग्जांपल शो हो रहा है यहाँ पे, कोलिजन वेक्टर सपोज फंक्शन एक्स के लिए एक कोलिजन वेक्टर है, तो इसमें क्या हो रहा है, 1 तो हमने देखा था ये फॉरबिडन लेटेंसी थी हमारी 2 4 5 7, ठीक है. तो इसमें हम देख रहे हैं मैक्सिमम वाला कौन सा है, 7 है. तो मैक्सिमम फॉरबिडन लेटेंसी जो होती है ना 7, वही हमारा m इक्वल्स टू 7 हो जाएगा.
तो हमारा कोलिजन वेक्टर कितने बिट्स का होगा? 7 बिट्स का होगा। तो ये आप ध्यान रखिए, कोलिजन वेक्टर में नंबर ऑफ बिट्स कैसे निकालना है, ठीक है? तो जो भी मैक्सिमम वाला है ना फॉरबिडन लेटेंसी का, उतने नंबर ऑफ बिट्स होंगे कोलिजन वेक्टर में। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 वाला यहाँ पे नहीं रहेगा, ये आप ध्यान रखें। बिकॉज होता क्या है, जो परमिसिबल लेटेंसी अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, परमिसिबल लेटेंसी को हम क्या कहते हैं, नॉन फॉरबिडन लेटेंसी, मतलब जो कि फॉरबिडन नहीं है वो परमिसिबल लेटेंसी होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1, 3 और 6 को ही शो करेंगे, जिसकी जगह हम 0 को लिख देंगे। बट नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने लास्ट में जो C8 वाला है, ठीक है, जो यहाँ पे होना चाहिए था C8 वाला, वो हमने नहीं लिखा है, ठीक है? क्यों? बिकॉज द लास्ट परमिसिबल लेटेंसी ऑफ 8, ठीक है, ऑफ 8, जिसको हमने यहाँ पे स्किप किया हुआ है, कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज वी नीड ओनली 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट कोलिजन वेक्टर। बिकॉज हमें सिर्फ 7 बिट्स ही शो करने हैं, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, और वैसे भी उसकी वैल्यू 0 ही यहाँ पे हमें लिखनी है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल भी जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? बट ये ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें उसे कंसीडर करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे अभी। सो सिंपली ये फॉरबिडन लेटेंसी है, तो इन इन पोजीशंस में हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ फॉरबिडन था 2, 4, 5 एंड 7, ये 1 है, और जहाँ जहाँ परमिसिबल था 1, 3 एंड 6, ये यहाँ पे परमिसिबल लेटेंसीज हैं। सेकेंड है स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम को हम कोलिजन वेक्टर के थ्रू ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले कोलिजन वेक्टर निकल गया विद द हेल्प ऑफ फॉरबिडन एंड परमिसिबल लेटेंसीज, देन हम कोलिजन वेक्टर की हेल्प से क्या निकालेंगे, स्टेट डायग्राम। अब ये स्टेट डायग्राम क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है परमिसिबल स्टेट ट्रांजिशंस को, ठीक है, अमंग सक्सेसिव इनिशिएशंस बेस्ड ऑन द कोलिजन वेक्टर। मीन्स अगर हमारा ये इनिशियल कोलिजन वेक्टर है, ये हमारा कोलिजन वेक्टर है इनिशियल जो अभी हमने निकाला, इसमें हम ट्रांजिशंस देंगे और हमें एक नया स्टेट मिल रहा है, हम देख रहे हैं। तो ये ट्रांजिशंस क्या होते हैं, परमिसिबल ट्रांजिशंस होते हैं, परमिसिबल लेटेंसी हमारे यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशंस होंगी, लाइक 1, 3, 6 एंड 8। 8 के आगे जो भी हम ट्रांजिशन करेंगे सबका सेम होगा, तो 8+। तो ये चारों परमिसिबल लेटेंसी के लिए हम ट्रांजिशन लेंगे, जैसे कि ये 1 के लिए, ये 3 के लिए, ये 6 के लिए, ये 8+ के लिए, सॉरी ये 8+ के लिए। तो ये चारों से हमने देखा यहाँ पे नया स्टेट हमें मिला, और 1 से हमें ये नया स्टेट मिला। तो अगेन अब इसमें जो परमिसिबल है, लाइक इस स्टेट को हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 0 कहाँ पे, तो ये 3 की पोजीशन में, ये 6 की पोजीशन पे, और एक हम देख रहे हैं आगे 8 में भी 0 है। तो जहाँ जहाँ 0 है मतलब परमिसिबल है, तो 3 के लिए हम दोबारा ट्रांजिशन करेंगे, 6 के लिए दोबारा, और 8 के लिए वापस इधर आ गया। वैसे इस स्टेट के लिए भी हम देखेंगे यहाँ पे परमिसिबल नहीं है, लेकिन लास्ट में जो 8 वाला पोजीशन है वहाँ पे हम ट्रांजिशन देंगे, तो ये इस तरीके से स्टेट डायग्राम ड्रॉ होगा। इसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज सिंपल साइकिल एंड ग्रीडी साइकिल्स। साइकिल क्या होता है, लाइक वी कैन सी कि ये एक स्टेट डायग्राम है जो अभी जस्ट हमने देखा। तो लेटेंसी साइकिल्स हमें मालूम है कि जो रिपीट होता है उसे हम कहते हैं साइकिल। तो स्टेट डायग्राम को देख के हम देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं 1 एंड 8 एक साइकिल है, ठीक है, जो जाके वापस आ रहा है, एंड 3 एंड 8 एक साइकिल है, 6 एंड 8 एक साइकिल है, 8 एक साइकिल है, 3, 6 इंडिविजुअल ये सब साइकिल हैं, एंड 1, 8 देन फिर 3 एंड 8 ये भी एक साइकिल है। तो इस तरीके से ये सारे लेटेंसी साइकिल्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बट इसमें से हमारे काम की क्या है, पहला तो सिंपल साइकिल्स हमें निकालना रहता है कि इन सब में से सिंपल साइकिल्स कौन से हैं। अब ये सिंपल साइकिल होता क्या है, तो सिंपल साइकिल्स ऐसी साइकिल्स हैं जिसमें एक स्टेट सिर्फ एक ही बार अपीयर हो रहा है, ठीक है। सो अ सिंपल साइकिल इज अ लेटेंसी साइकिल इन विच ईच स्टेट अपीयर्स ओनली वंस, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम देखने से तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, यहाँ देखिए हम 1 एंड 8 यहाँ पे दो स्टेट एक एक बार ही आ रहे हैं। अब अगर हम ले ये वाला तो सिंपल साइकिल है, इसको अगर हम देखते हैं 1, 8, 3, 8, तो यहाँ से यहाँ 1 में आए, यहाँ से यहाँ 8 में गए, ठीक है। तो ये एक स्टेट एक बार इन्वॉल्व हुआ, ये एक स्टेट इन्वॉल्व हुआ। 3 एंड 8
तो अगेन वापस इस स्टेट को यूज़ किए, फिर यहाँ आए, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गए। तो ये वाला स्टेट हम दो तीन बार रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसी स्टेट को हम देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस साइकिल में हम क्या करेंगे, दिस इज़ नॉट अ सिंपल साइकिल। थ्री इंडिविजुअली एक कॉन्स्टेंट साइकिल है, सिक्स कॉन्स्टेंट साइकिल है, ये तो ये सिंपल साइकिल है ही, एक ही बार आ रहा है, ये सारे सिंपल साइकिल्स हैं। ठीक है, थ्री सिक्स थ्री, लाइक थ्री देन सिक्स देन थ्री, तो ये वाला भी हमारा सिंपल साइकिल नहीं है। तो सिंपल साइकिल क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस स्टेट डायग्राम में हमने देखा ये सारे सिंपल साइकिल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे एक स्टेट एक ही बार अपीयर हो रहा है, और 1868 वाला, ये वाला सिंपल साइकिल नहीं है। 1838 वाला भी सिंपल साइकिल नहीं है, बिकॉज ये इस स्टेट को ट्वाइस आ रहा है, ये वाले स्टेट पे दो बार आ रहा है। अब हमारे काम की क्या चीज़ है, कुछ सिंपल साइकिल्स ग्रीडी साइकिल्स होते हैं, ठीक है, सम ऑफ द सिंपल साइकिल्स आर ग्रीडी साइकिल्स, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यही है। ठीक है, ग्रीडी साइकिल अब क्या होता है फिर, ग्रीडी साइकिल इज अ सिंपल साइकिल हुज एजेस आर ऑल मेड विथ मिनिमम लेटेंसीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टार्टिंग स्टेट्स। तो ऐसी साइकिल्स जो कि मिनिमम लेटेंसीज से बनी हुई हैं उसे हम कहेंगे ग्रीडी साइकिल, लाइक 1 and 8, इसमें 1 मिनिमम लेटेंसी है तो ये मिनिमम लेटेंसी से बना हुआ है तो ग्रीडी साइकिल हो गया। 3 भी यहाँ पे मिनिमम लेटेंसी है तो ये भी ग्रीडी साइकिल हो गया। इसे दूसरा तरीका होता है निकालने का कि सारे साइकिल्स में से जिसका मिनिमम एवरेज लेटेंसी, जिसका एवरेज लेटेंसी मिनिमम होता है उसे हम कहते हैं ग्रीडी साइकिल्स। ठीक है, सो अब नेक्स्ट लास्ट हम देख लेते हैं मैल क्या होता है। मैल ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको यही निकालना पड़ता है न्यूमेरिकल में, मिनिमम एवरेज लेटेंसी क्या होती है। मिनिमम एवरेज लेटेंसी इज द मिनिमम एवरेज लेटेंसी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीडी साइकिल। जो भी ग्रीडी साइकिल्स हैं उनमें से जो मिनिमम वाली होगी, लाइक अभी हमने देखा दो ग्रीडी साइकिल्स थी 1 and 8, तो 1 and 8 का अगर हम एवरेज लेटेंसी निकालते हैं तो वो कितना आएगा 4.5, और अगर हम ग्रीडी साइकिल 3 का निकालते हैं एवरेज लेटेंसी तो वो आएगा 3। तो इन दोनों में सबसे स्मॉल कौन है, 3, तो हमारा मैल क्या होगा, 3 हो जाएगा। सो इन ग्रीडी साइकिल्स 1, 8 and 3 द साइकिल 3 लीड्स टू मैल वैल्यू 3। ओके, सो जो, और ये भी ध्यान रखें, ये अगर स्टेट डायग्राम है या जो भी मिनिमम लेटेंसी है उनके एजेस पे जो हमने लिखा हुआ है उसे हम एस्ट्रिक से मार्क करते हैं, लाइक 1 सबसे छोटा वाला लेटेंसी है, स्मॉल लेटेंसी है, तो वहाँ पे हम एस्ट्रिक मार्क करते हैं। ओके, एंड जो सबसे हाईएस्ट परमिसिबल लेटेंसी होती है उसको हम प्लस से मार्क करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट रिजर्वेशन टेबल एंड ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें, और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।